Dear subscribers and viewers, Vshiksha welcome all of you with new topic ke saath. Aaj ka topic hai pollution of air and water. Class 8 chapter 18 biology. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि किस तरह से जो हमारी एयर और वाटर जो है पॉल्यूटेड हो गए हैं. आइए अब हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं. एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. अबाउट 78% ऑफ एयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, 21% इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड द रेस्ट 1% इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मिथेन, ओजोन, वाटर वेपर एक्सेट्रा. आप सभी जानते हैं कि एयर जो है बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है जिसमें कि 70% जो नाइट्रोजन ही पाई जाती है और नाइट्रोजन को हम जो है डायरेक्ट जो है नहीं ले सकते. जिस तरह की हम जो हमारी ऑक्सीजन गैस है 21% ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस गैस को जो है इनहेल करती है और बाकी जो हमारी रेस्ट गैसेज है हमारे जो एटमोसफेयर में पाई जाती है वो सिर्फ 1% है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर आदि सब ये सब आती है. एयर पोल्यूशन देखिए जो ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये एयर है ये कैसे जो पॉल्यूटेड होगी है. व्हेन एयर इज़ कंटेमिनेटेड विद अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड बिकेम हार्मफुल फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. जब ये जो एयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर है जब इसके अंदर वो अनवांटेड सब्सटेंसेस चले जाते हैं जिसके कारण ये लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हार्मफुल हो जाती है तो हम इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. और एयर पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट एयर और कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. और जो सब्सटेंसेस हमारे एयर के अंदर मिलकर जो इसे पॉल्यूटेड कर देते हैं उसको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. अब देखिए जो एयर पोल्यूशन ये कैसे होता है. नेचुरल कॉजेज इसके जो नेचुरल कॉज है वो है स्मॉग एंड डस्ट फ्रॉम फायर एंड द वॉल्केनोज. देखिए आप फॉरेस्ट के अंदर बहुत कई बार जो बहुत ज़्यादा आग लग जाती है उसके कारण जो है बहुत सारा धुआं उठता है और जो नेचुरल प्रोसेस है वॉल्केनो वगैरह इससे भी जो है हमारी एयर जो है पॉल्यूटेड हो जाती है. अगला है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. देखिए ऑटोमोबाइल से क्या होता है कि जब हम ऑटोमोबाइल वगैरह चलाते हैं पेट्रोल डीजल आर यूज एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल. जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं इनके अंदर हम पेट्रोल और डीजल को जो है एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं. कंबस्शन ऑफ These fuel produce many pollutant gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. जब ये फ्यूल जलता है तो इसके कारण जो बहुत सारी पॉल्यूटेड गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, ये सब गैसें जो है रिलीज होती है. ऑटोमोबाइल इंजन आर आल्सो प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल विच रिमेन सस्टेंस इन द एयर. और जो हमारे जो ऑटोमोबाइल जो इंजन होते हैं ये और भी पार्टिकल जो है एयर के अंदर जो है छोड़ते रहे और वो एयर के अंदर ही रहते हैं. दिस पार्टिकल आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर. इनको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं. फैक्ट्रीज फॉसिल फ्यूल्स इज आल्सो यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड हैंस फैक्ट्रीज प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स. जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह होती है फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करती है. फॉसिल फ्यूल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को काफ़ी टाइम जो है उनके ऊपर एटमॉस्फेयर हाई एटमॉस्फेयर के अंदर बनता है और ऑर्गेनिज्म से बनता है. एंड ये क्योंकि ये फैक्ट्रियाँ इसको यूज करती है इसके कारण भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है और एयर जो है पॉल्यूटेड हो जाती है. कंस्ट्रक्शन साइट एंड स्टोन क्वारीज. देखो जो आजकल जो बहुत हर कंट्री में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चलता है. जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है और जो स्टोन क्वारीज होती है प्रोड्यूस है लोड ऑफ डस्ट पार्टिकल तो वहाँ उनके कारण जो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमारे एयर के अंदर चले जाते हैं. माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड पावर प्लांट आल्सो प्रोड्यूस डस्ट पार्टिकल. और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है और पावर प्लांट होते हैं ये भी जो है डस्ट पार्टिकल को एयर के अंदर मतलब सस्पेंडेड करते हैं एयर के अंदर जो इनको प्रोड्यूस करते हैं. हाउस होल्ड मैनी फ्यूल आर यूज इन किचन एंड दस किचन इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. किचन में बहुत सारी फ्यूल को यूज़ किया जाता है. इस तरह हमारी किचन भी जो है एयर पोल्यूशन के लिए एक कारण है. लेयर ओजोन लेयर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर इन द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो लेयर है उसमें से एक ओजोन लेयर होती है जो कि हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है. ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है. इट कंटेन ए हायर अमाउंट ऑफ ओजोन देन एनी अदर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. देखिए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर है लेकिन जो ये वाली लेयर है इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ओजोन कंटेन होती है. हाउएवर कंपेयर्ड टू अदर गैसेस ओजोन स्टिल फॉर्म्स अ नेगलिजिबल पार्ट ऑफ
ईयर इन ओजोन लेयर, जो दूसरी जो हमारी लेयर है और भी अदर लेयर है, अगर उनसे गैसे से कंपेयर करें तो ओजोन जो है निग्लिजिबल पार्ट ऑफ द एयर ओजोन लेयर। दिस लेयर प्रिवेंट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन फ्रॉम एंटरिंग आवर एटमोसफेयर। ये जो ओजोन लेयर होती है जो सन से हमारी हमारे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा होता है या जो रेज आ रही होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमंस एंड एनिमल। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है या फिर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसके कारण जो है स्किन कैंसर ह्यूमंस एंड एनिमल्स के अंदर जो है स्किन कैंसर हो सकता है। एंड ऑल्सो इज हार्मफुल फॉर द प्लांट, और प्लांट के लिए भी जो है हार्मफुल है। एनी डैमेज टू द ओजोन लेयर कैन बी हाईली डिट्रीमेंटल टू लिविंग बींग्स। अगर ओजोन लेयर के अंदर किसी भी तरह का डैमेज होता है तो ये अल्ट्रावायलेट जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये हम तक पहुंच जाती है और इस तरह जो है हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, हमने देखा था कि किस तरह से जो एयर पोल्यूशन होता है, अब इस पोल्यूशन के कारण क्या इफेक्ट होता है। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉज ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज इट इज़ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या ग्लोबिंग वार्मिंग हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को ट्रैप करती है। स्मॉग, स्मॉग इज़ ए मिक्सर ऑफ स्मॉग एंड फॉग। जो स्मॉग होता है वो स्मॉग और फॉग का जो है मिक्सर होता है। स्मॉग रिड्यूस विजिबिलिटी एंड देन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ड्राइवर एट हाईवेज। जो स्मॉग होता है उसके कारण जो विजिबिलिटी जो कम हो जाती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण जो है हाईवे पे ड्राइविंग के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। पायलट्स फेस प्रॉब्लम वाइल लैंडिंग और टेक ऑफ ड्यू टू स्मॉग। इसी तरह जो है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, जो पायलट को भी जो है लैंडिंग और टेकिंग ऑफ के लिए जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ए पॉइजनस गैस इवन एट लो कंसंट्रेशन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एक पॉइजन वाली गैस होती है, अगर ये कम मात्रा में भी है तब भी काफ़ी हार्मफुल होती है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड पर्सन मे डाई ऑन एक्सपोज और एक्सपोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी को कम कर देती है, और ये कम मात्रा में, अगर अधिक मात्रा में चली जाए तो इसके कारण जो है ह्यूमन जो पर्सन है वो डाई भी हो सकता है। एसिड रेन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मिक्स विद रेन वाटर टू क्रिएट एसिड रेन। जब रेन के अंदर जो है ऑक्सीजन ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन मिक्स होकर मिलती है तो रेन को एसिड रेन बना देती है। एसिड रेन कैन बी हार्मफुल फॉर लिविंग बींग एंड ऑल्सो फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। और जो ये एसिड रेन होती है लिविंग बींग्स के लिए तो हार्मफुल है ही, साथ में नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हार्मफुल है। एसिड रेन कोरोड द अदर सरफेस ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज कॉज द ताजमहल बिकम पेल। जो एसिड रेन होती है ये बिल्डिंग को कोरोड मतलब जला देती है, जिसके कारण जो है ताजमहल जो है वो पीला पीला होता जा रहा है। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर इन एयर कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीज। और पार्टिकल क्योंकि एयर अगर पॉल्यूटेड होती है तो इसके कारण जो है हमारे सांस लेने संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जस्ट लाइक अस्थमा और अदर भी दूसरी भी डिसीज जो है हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप सोलर रेडिएशन एंड दस इंक्रीज एटमोसफियर टेम्परेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट के में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है जो हीट को ट्रैप करती है और जिसके कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि ओवरऑल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑफ द कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, जब पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ग्लेशियर और आइसबर्ग हमारे पिघल जाते हैं। इट इज़ रिजल्टिंग टू इंक्रीज कॉज ऑफ फ्लैश फ्लड्स एंड राइजेस सी लेवल। इसके कारण जो है आपका फ्लड आ सकता है और सी का लेवल जो बढ़ जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग ड्रास्टिक चेंज इन वेदर पैटर्न, और इसके कारण जो है हमारे वेदर में जी बहुत सारे अचानक से चेंज आ जाते हैं। हाउ टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, अब हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे इससे बच सकते हैं। वी शुड यूज़ CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन ऑटोमोबाइल्स। हमें जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर CNG गैस को यूज़ करना चाहिए रेदर देन पेट्रोल और डीजल, क्योंकि CNG जो पूरी तरह से बर्न हो जाती है। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ कार एंड बाइक। हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए रेदर देन कार एंड बाइक, इसके कारण जो है काफ़ी पॉल्यूशन कम हो जाएगा। वी शुड यूज़ बाईसाइकिल एज इफेक्ट ऑफ पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम बाईसाइकिल का यूज़ करना चाहिए।
वी शुड वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट, अगर कोई थोड़ा सा डिस्टेंस होता हमें जो है वॉक करके जाना चाहिए, वहाँ पर कोई हमें व्हीकल को यूज़ नहीं करना चाहिए। डाटा ऑन एयर क्वान्टिटी कैन बी यूटिलाइज टू एक्सेस द सोल्यूशन एंड टेक टाइमली एक्शन। हमें डाटा यूज़ करना चाहिए कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकें और जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। मोर एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो हमें अल्टरनेट सोर्स को यूज़ करना चाहिए, ऐसा या तो हमें ऐसा यूज़ करना चाहिए जो पूरी तरह से बर्न हो जाए, या फिर सोलर, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, बायोफ्यूल एक्सेट्रा, इस तरह के फ्यूल को यूज़ करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज इन आवर सराउंडिंग बिकॉज ट्रीज मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एटमोसफेयर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना चाहिए क्योंकि जो ट्री है वो एटमोसफेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस को बना के रखते हैं। बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स शुड बी स्टॉप, ड्राई लीव्स शुड बी यूटिलाइज टू मेक कंपोस्ट। देखो जो हमारे जो ड्राई लीव्स होते हैं हमें उन्हें बर्न करने के बजाय जो है उनको कंपोस्ट या कंपोस्ट मतलब खाद की तरह यूज़ करना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन, एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर विच मेक वाटर हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। देखिए वाटर पॉल्यूशन के अंदर जब हार्मफुल चीज़ें मिल जाती है, ऐसे सब्सटेंसेस मिल जाते हैं जो वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, जो जिसके कारण जो वाटर पीने के योग्य नहीं रह जाता, उसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन ऑफ गंगा, गंगा इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर फॉर लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया बिकॉज मिलियन ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द रिवर ऑफ द लाइवलीहुड। गंगा जो एक बहुत गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया के लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारे मतलब लाखों की संख्या में जो लोगों का जीवन इसके ऊपर डिपेंड करता है। मोर एवर गंगा इज़ कंसिडर्ड टू बी सेकेंड रिवर बाय मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। और इसका एक और रीज़न भी कि ज़्यादातर लोग जो इंडिया के लोग हैं गंगा को एक पवित्र नदी मानते हैं। एज़ पर रिसेंट स्टडी ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर गंगा इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। और अगर हम रिसेंटली वर्ल्ड वाइड फंड की और के हिसाब से देखें तो गंगा जो है सबसे पॉल्यूटेड रिवर में से आती है। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ दिस रिवर आर एज फॉलो। इस रिवर के गंदा होने के जो रीज़न है उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है। अनट्रीटेड सीवेज एंड एफ्लुएंट्स फ्रॉम द सिटीज़ एंड डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स। देखिए जो सीवरेज वगैरह या जो सिटीज़ वगैरह से जो भी है वो सब इस नदी के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रिवर इज़ यूज बाई पीपल फॉर वॉथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ, आल्सो फॉर वॉथिंग डियर कैटल्स। जो इस रिवर को जो बहुत सारे लोगों के द्वारा वॉथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता है और अपने कैटल्स को नहाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस एंड दिस प्रैक्टिस पॉल्यूटेड द रिवर वाटर। देखो क्रीमेशन जो गंगा नदी के किनारे किया जाता है क्योंकि इसको पवित्र नदी माना जाता है और ये काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है, इसके कारण भी जो है गंगा नदी जो है पॉल्यूटेड हो गई है। रिवर आर प्रिफर्ड फॉर इमर्जिंग आइडल्स फ्लावर एंड मैनी अदर फ्लावर ऑफ रिचुअल एंड वर्शिप। क्योंकि ये पवित्र नदी है, इस नदी के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ या फिर आप देख लीजिए जो पूजन की सब सामग्री थी वो सब इसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मैनी इंडस्ट्रियल टाउन आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। इस नदी के किनारे बहुत सारे टाउन बने हैं जैसे कि कानपुर वगैरह, और इनसे जो भी सीवरेज वगैरह सब कुछ इस नदी में आता है। देयर आर अबाउट 5,000 इंडस्ट्री यूनिट इन कानपुर। कानपुर के अंदर कम से कम 5,000 इंडस्ट्री यूनिट है विच इंक्लूड फर्टिलाइजर्स टैनरीज एंड प्लांट इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर फर्टिलाइजर और दूसरी जो पेंट इंडस्ट्रीज वगैरह है वहाँ पर है। दीज फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल केमिकल इनटू द रिवर, और इन फैक्ट्रीज का जो भी हार्मफुल केमिकल हो इस रिवर के अंदर चला जाता है। रामपट यूज द वेडिकसाइड्स पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर पॉल्यूटेड रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर, और इसके कारण जो है बहुत सारे पेस्टिसाइड और बहुत सारे केमिकल के कारण जो ना सिर्फ रिवर को ही पॉल्यूटेड किया जाता बल्कि ग्राउंड वाटर भी। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट को देखते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो यूट्रोफिकेशन, एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। जब वाटर बॉडीज के अंदर जो है न्यूट्रिशन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है इसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इट हैपन बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल इन द वाटर। ये इसलिए होता है क्योंकि वाटर के अंदर जो बहुत अधिक मात्रा में केमिकल मिल जाता है। दिस रिजल्ट इन द
प्लोरिफिकेशन ऑफ अल्गी एंड अदर प्लांट टू द वाटर बॉडीज विद स्टैगनेंट वाटर, इसके कारण जो है बहुत अधिक वाटर के अंदर जो बहुत अधिक मात्रा में अल्गी जो प्रोड्यूस हो जाती है और वाटर बॉडी के अंदर दूसरे प्लांट है वो भी बहुत अधिक मात्रा में आ जाते हैं। वंस दिस प्लांट डाई दे आर कम्पोज बाय द डिकम्पोज, जब ये प्लांट खत्म हो जाते हैं तो इनको डिकम्पोजिशन के द्वारा जो कंज्यूम्ड किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन यूटिलाइजेज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ वाटर, और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो वाटर में से पूरे ऑक्सीजन को ले लेते हैं। दिस इज रिजल्ट द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वाटिक वाटर, इसके कारण जो है वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो एक्वाटिक एनिमल है उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उन्हें नहीं मिल पाती है। कंटेमिनेंट वाटर बिकम्स अनफिट फॉर द कंजप्शन ऑफ द ह्यूमन एंड कैटल, और जो ये कंटेमिनेटेड वाटर होता है जिसके अंदर अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, ना तो ये ह्यूमंस के लिए और ना ही कैटल के लिए अच्छा होता है। इट रिजल्टेड ड्रास्टिक रिडक्शन टू ऑफ फिश पॉपुलेशन, इसके कारण जो बहुत अधिक फिश के जो पॉपुलेशन उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक मतलब बहुत तेज़ी से जो है रिडक्शन आ जाती है। फॉल इन फिश पॉपुलेशन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द लाइफ होल्ड फॉर फिशरमैन, अगर जो फिश की पॉपुलेशन में कमी आ जाती है जिसके कारण जो फिशरमैन है उनकी ज़िंदगी वो प्रभावित हो जाती है। वाटर पॉल्यूशन रिजल्ट इन इंक्रीज कॉज ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज लाइक क्लोरिया डायरिया एंड जॉन्डिस एक्सेट्रा, वाटर पॉल्यूशन के कारण जो है बहुत सारी डिसीज़ को पैदा हो जाती है जैसे कि क्लोरिया हो गया, डायरिया हो गया, जॉन्डिस वगैरह हो गया। प्रेजेंस ऑफ फेशियल मैटर रिजल्ट इन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ई कोली इन वाटर विच कॉज वाटर बॉर्न डिसीज, देखिए जो पानी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जो है बलमूत्र चला जाता है तो उसके कारण जो वाटर जो है बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है जिसके कारण जो है डिसीज वगैरह हो। कंटेमिनेटेड ऑफ ग्राउंड वाटर रिजल्ट इन द हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन फ्रूट्स वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, अब देखिए क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो भी आपका पॉल्यूटेड होता है जिसके कारण जो है जो आपके फ्रूट्स वगैरह होता है जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं या फिर जो ग्रेन होता है उसके अंदर जो है टॉक्सिक मटेरियल जो है चला जाता है। द पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज बिकॉज द अनट्रीटेड एफर्ट्स ऑफ फ्रॉम फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज के कारण जो भी आपका फ्यूलेंट्स वगैरह या फैक्ट्रीज से जो भी आपका वाटर बॉडीज के अंदर जाता है उसके कारण जो पीएच और टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है। द हार्म ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके कारण जो एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स को जो है काफ़ी नुकसान पहुँचता है। पोटेबल वाटर, वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर, क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए पोटेबल वाटर वो वाटर होता है जो पीने के लिए फिट होता है, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारा वाटर है लेकिन उसमें से पोटेबल वाटर जो बहुत कम मात्रा में है और जो वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन है उसके पास पीने के लिए पानी जो एक्वाटिक मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है। मैथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, अब वाटर को कैसे प्योर किया जाता है इसके हम मेथड बताते हैं। म्यूनसिपल बॉडीज प्योरीफाई वाटर बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड बिफोर सप्लाइंग वाटर टू द हाउस होल्ड, जो म्यूनसिपल बॉडीज होती है हर कंट्री के अंदर होती है वो वाटर को घरों तक पहुंचाने से पहले उसको बहुत तरह से फिजिकली और केमिकली जो है उसको ड्रिंकिंग वाटर को पहले प्योरीफाई कर लेती है। फिल्ट्रेशन इज द कॉमन मेथड ऑफ द प्योरीफिकेशन ऑफ द वाटर, देखो फिल्ट्रेशन सबसे कॉमन मेथड है। वेरियस टाइप ऑफ वाटर फिल्टर आर यूज इन द हाउस होल्ड, आजकल हमारे घरों में हर तरह के जो फिल्टर्स को यूज किए जाते हैं तरह तरह के। बॉइलिंग इज अनदर कॉमन मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, इट किल्स द जर्म्स इन द वाटर, बॉइलिंग जो है बहुत पुराना मेथड है काफ़ी समय से जो है जिसके कारण इस बॉइलिंग के कारण जो है पानी के अंदर जितने भी जो हार्मफुल जर्म्स वगैरह होते हैं सब जो है किल हो जाते हैं। क्लोरीनेशन आल्सो हेल्प इन किलिंग द जर्म्स इन वाटर, जो आपका क्लोरीनेशन होता है उसके कारण भी जो है वाटर के अंदर जो है जर्म्स वगैरह किल हो जाते हैं। क्लोरीन टैबलेट आर अवेलेबल फॉर फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पर जो क्लोरीन टैबलेट जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होती है उसको वाटर के अंदर डाल के जर्म्स को किल कर दिया जाता है। हाउ टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, डिस्चार्ज ऑफ अनवांटेड सीवरेज एंड एफ्यूलेंट्स इन वाटर बॉडीज शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, देखिए जो बॉडी के अंदर जो वाटर के अंदर जो हम सीवेज वगैरह को डिस्चार्ज करते हैं जो अदर थिंग्स उसको हमें स्ट्रिक्टली जो बंद कर देना चाहिए। एवरी सिटी शुड हैव ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हर सिटी के पास जो अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द हार्म्स ऑफ आइडल इमर्जन शुड बी इंक्रीज, लोगों को जो है जो आइडल्स वगैरह मूर्ति वगैरह पानी के अंदर डुबोते हैं उसके बारे में हमें उसके हार्म्स के बारे में अवेयर कराना चाहिए। ट्रेडिशनल क्रीमिनेटरियम शुड बी रिप्लेस विद द इलेक्ट्रिक क्रीमिनेटरियम, जो ट्रेडिशनल आपका जो है शव को जलाने का जो आपका ट्रेडिशनल है उसे हमें आप इलेक्ट्रिक क्रीमिटेरियम के रूप में बदल देना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, देखो वाटर को कैसे कंजर्व किया जाता है कैसे इसको बचाया जा सकता है,
water is a precious resources and hence every step should be taken to conserve water. Water जो है बहुत ही कीमती रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है और इसको बचाने के लिए हमें हर एक प्रयास करने चाहिए. We should follow the principle of three R. हमें जो तीन R का जो principle है उसे हमें follow करना चाहिए. Reduce, reuse and recycle to conserve of water. Water को बचाने के लिए हमें उसे reduce करना चाहिए, उसका बार बार use करना चाहिए और उसको recycle में लाना चाहिए. We should make change in our lifestyle to prevent wastage of water. हमें अपने जो है लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए जिसके कारण हम अपने वाटर को बचा सकें. लीकिंग टैप शुड बी इमिडिएटली रिपेयर. जो टैप लीकिंग करते हैं उसको हमें जल्दी से जल्दी जो रिपेयर करा देना चाहिए. यूजिंग ए बकेट इंस्टेड ऑफ शावर ऑफ बहुत हेल्प इन सेविंग वाटर. देखिए हमें नहाने के लिए जो शावर की बजाय जो बकेट का यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारा वाटर जो वेस्ट हो जाता है. वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथिंग एंड वेजिटेबल शुड बी रीयूज फॉर मोपिंग एंड फॉर वॉशिंग कार एंड स्कूटर्स. वाटर जो हम क्लोथ वगैरह धोते हैं, वेजिटेबल धोते हैं, उसके कारण जो वाटर बच जाता है उससे हमें कार और स्कूटर को वॉश करने के लिए यूज करना चाहिए. सीवेज वाटर शुड बी प्योरीफाइड सो दैट इट कैन बी यूज अगेन. और जो सीवेज का वाटर होता है उसे हमें प्योरीफाई करने के लिए प्लान लगाना चाहिए ताकि उसको दोबारा से हम इसको यूज. इंपॉर्टेंट नोट्स. अब हम वीडियो के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ चुके हैं जिसके कारण हम पूरे चैप्टर को आसानी से याद रख सकते हैं. फर्स्ट वन इज एयर. हमने पढ़ा था कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. एयर जो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है जिसमें कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और जो बाकी 1% बचा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन एक्सेट्रा आदि गैसें आती है. When air gets unwanted substances and become harmful to living and non-living organism, this is called air pollution. Substances which contaminates air called air pollutant. जब एयर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस मिल जाते हैं जो जिसके कारण जो है एयर जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल हो जाती है उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं और इन सब्सटेंस को हम जो है एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर के कारण जो है जो इसके इफेक्ट है उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण स्मॉग हो जाता है जिसके कारण जो विजिबिलिटी कम हो जाती है, एसिड रेन होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है जिसके कारण जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे वेदर कंडीशन सब कुछ अचानक से चेंज हो जाता है. वाटर. वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स विच इज़ असेंशियल फॉर लिविंग. वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. व्हेन अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स विद द वाटर एंड मेक इट हार्मफुल फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट वाटर एयर कॉल्ड एयर वाटर पॉल्यूटेंट. देखिए वाटर के अंदर जब ऐसे सब्सटेंसेस मिल जाते हैं जिसके कारण ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल बन जाता है तो उसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं और उन सब्सटेंस को हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. अब वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या हो जाता है, देखो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, इंक्रीज डिसीज लाइक क्लोरिया, डायरिया, जॉइंटिस एक्सेट्रा, पीएच एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज. तो हमने देखा था कि इसके कारण जो है वाटर का पीएच वैल्यू और टेम्परेचर जो बढ़ जाता है जिसके कारण जो है आपके जो एक्वाटिक एनिमल है और प्लांट्स वगैरह है वो काफ़ी हार्मफुल हो जाता है. पोटेबल वाटर. देखिए ऐसा वाटर जो पीने के लिए बिल्कुल फिट होता है. देखिए हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारा वाटर है लेकिन उसमें से जो पोटेबल वाटर बहुत कम मात्रा में. वाटर विच इज़ फिट टू ड्रिंक इज कॉल्ड पोटेबल वाटर. ऐसा वाटर जो पीने के लिए फिट है उसको हम पोटेबल वाटर कहते हैं. मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन. देखो वाटर को कैसे प्योरीफिकेशन किया जाता है इसके हमने अलग अलग मेथड देखे थे, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन. सेवंथ, वी शुड फॉलो थ्री प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल टू कंजर्व वाटर. देखिए वाटर को बचाने के लिए हमें थ्री आर का जो है यूज़ करना चाहिए. वन इज रिड्यूस, अदर इज रीयूज एंड अदर इज रिसाइकल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टू सर्व यू.